नहीं क्लियर हुई यार, टोटल ही नहीं बना, टोटल बन गया यार, बट एक सब्जेक्ट क्लियर नहीं हुआ। पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है, पता नहीं ये क्यों नहीं क्लियर हो रही है। मैं इतने सारे अटेम्प्ट दे चुका हूं, बट ये है कि क्लियर होने का नाम ही नहीं ले रही है। अब कुछ और सोचना पड़ेगा यार, इट इज नॉट गोना बी हैपनिंग लाइक दिस, मुझे कुछ और प्लान भी चाहिए, मेरे को सीए अब छोड़नी पड़ेगी। क्या ये थॉट्स आपके मन में भी हैं डिसअपॉइंटेड टाइम? ये चीज बहुत कॉमन है और हमारे में भी थी जब हम सीए के एग्जाम दे रहे थे, ये सारे थॉट्स हमारे मन में भी एट दैट पॉइंट इन टाइम आते थे और तब तक आते रहे जब तक मैंने अपनी सीए नहीं क्लियर कर ली। बट विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू व्हाट यू आर फेसिंग राइट नाउ, यू शुड नॉट बी गेटिंग बॉक डाउन फॉर व्हाट्स एवर रीजन। हम सब इस फेज से निकले हैं और हम सब इस फेज को कोरिलेट कर सकते हैं, बट अगर हमने सीए उस टाइम छोड़ दी होती तो आज हम में से कोई भी यहां नहीं पहुंचा होता जहां हम पहुंच पाए। इसीलिए सीए आपको भी नहीं छोड़नी है, बट हाँ ये जरूर है कि हम सबको एक प्लान बी इन पैरेलल जरूर तैयार करना चाहिए जो शायद हमारे पास नहीं था, बिकॉज जब हम सीए कर रहे थे एट दैट पॉइंट इन टाइम ये एवेन्यूज नहीं होते थे। बट आज क्योंकि एवेन्यूज अवेलेबल हैं तो हम सबको एक ऐसा प्लान बी चाहिए जो हम अपनी सीए के साथ परस्यू कर सकें, जिसकी वजह से हमें सीए छोड़ने की जरूरत ना पड़े। एंड दैट इज द रियल प्लान बी माई फ्रेंड, बिकॉज मैं पर्सनली भी नहीं चाहूंगा कि आप सीए छोड़ें, बट हाँ ये जरूर चाहूंगा कि आप एक प्लान बी आज साथ में कैरी ऑन करना शुरू कर दें, ताकि एटलीस्ट आप प्लान बी में भी एक स्टेज तक पहुंच जाएं अपनी सीए को परस्यू करते हुए, और शायद प्लान बी में जल्दी सक्सेसफुल हो भी जाएं या जल्दी उसे अचीव कर भी लें। बिल्कुल, मैं इसी एक प्लान बी के साथ आया हूं, मैं आज ऐसा ही प्लान बी डिस्कस कर रहा हूं, वो प्लान बी है बच्चे एसीसीए। मैं इसे प्लान बी क्यों कह रहा हूं पहले इसको समझने की जरूरत है। देखो बच्चे, जो सीए कर रहे हैं वो बहुत सारा कुछ ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अब अगर वो इस सबको छोड़ के एक नए सिरे से कुछ भी करने चलेंगे तो उनकी जो भी नॉलेज आज की डेट में है वो सारी वेस्ट हो जाती है। इसीलिए हमें प्लान बी ऐसा चाहिए जो हमने आज तक जो भी कुछ किया है उसको वैल्यू कर सके, और इसीलिए एसीसीए एक बहुत सॉलिड प्लान भी है हर सीए स्टूडेंट के लिए। एसीसीए में आप जो भी आज तक कर चुके हो ये आपको हेल्प आउट करता है, बिकॉज एसीसीए का करिकुलम सीए से बहुत ज्यादा सिमिलर है, तो जो भी आप पढ़ चुके हो आज तक उसको आप कैपिटलाइज कर सकते हो, या थोड़े इंक्रीमेंटल एफर्ट के साथ आप एसीसीए परस्यू करना शुरू कर सकते हो और जल्दी फिनिश भी कर सकते हो। एसीसीए आपकी करंट एजुकेशन को, करंट स्टेटस को वैल्यू भी करता है, बिकॉज वो आपको वो सारे एग्जाम जो आप दे चुके हो और जो क्लियर कर चुके हो, इरिस्पेक्टिव आप अपने ग्रुप नहीं भी क्लियर किया हो, वो एग्जाम आपको एसीसीए में एग्जम्प्ट कर देता है, वो एग्जाम आपको एसीसीए में देने की जरूरत नहीं होती है। तो एक, आप आसानी से इंक्रीमेंटल नॉलेज लेके एग्जाम को परस्यू कर सकते हो, एसीसीए परस्यू कर सकते हो, बिकॉज आपको सब कुछ नया नहीं पढ़ना है, बहुत कुछ आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। और दूसरा, आपको सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट्स के लिए पढ़ना है जो सब्जेक्ट्स आपके सीए में क्लियर नहीं हुए हैं। बहुत अच्छी बात है सर। इस प्लान बी के बच्चे एक बहुत और भी बड़ी इंपॉर्टेंस है, और वो है इसकी फ्लेक्सिबिलिटी। जैसे में सीए में ग्रुप करके पेपर देने होते हैं और चारों या तीनों एग्जाम क्लियर करने होते हैं, आपको एसीसीए में ग्रुप एग्जाम नहीं देने होते हैं, आप एक एक करके दे सकते हैं। तो जो एफर्ट आप चार एग्जाम पे लगाते हैं, अगर वो आप एक एग्जाम पे लगाएंगे तो नेचुरल सी बात है आपका पासिंग रिजल्ट सब्सटैंशियली इंक्रीज हो जाता है, तो इस वजह से यहां रिजल्ट भी ज्यादा अच्छा आ जाता है। एंड ओवर एंड अबव माय फ्रेंड, क्योंकि एसीसीए चार्टर्ड अकाउंटेंसी की तरह ही सिमिलर क्वालिफिकेशन है, एंड ऑफ कोर्स हैज अ बेटर रिकॉग्निशन, बिकॉज एसीसीए रिकॉग्नाइज होता है इन 180 कंट्रीज, सो आप इफेक्टिवली सीए के साथ ग्लोबल सीए भी क्वालिफाई कर लेते हो। इजंट दैट द रियल प्लान बी? यस सर। मैं ये नहीं कहूंगा बच्चे कि आपको एसीसीए स्ट्रेट अवे शुरू कर देनी चाहिए, बट मैं ये जरूर कहूंगा इस प्लान बी के बारे में आपको जरूर सोचना चाहिए, खास तौर पे क्योंकि हमें अब पता है कि हमें अब नया सिलेबस में जाना है सीए के अंदर, तो ये एक और भी रीजन हो जाता है कि हमें एक प्लान बी चाहिए, बिकॉज नया सिलेबस तो मुझे वैसे ही स्टार्ट से नए सिरे से सीखना पड़ेगा, तो क्यों नहीं मैं एक स्टार्ट में प्लान बी, एक साथ में प्लान बी ले आऊं, ताकि मैं एटलीस्ट कुछ उसमें भी कर जाऊं, एंड ऑफकोर्स मैं अपनी सीए को ना छोड़ू। ये वो प्लान बी है बच्चे जो सीए के साथ आप परस्यू कर सकते हो और शायद उससे पहले क्लियर भी कर सकते हो। अगर कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी है, देन यू कैन सर्टेनली रीच आउट टू अस, वी विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर ऑल योर क्वेरीज, ऑल योर डाउट्स। आई वुड ओनली से इन द एंड माय फ्रेंड दैट सीए नहीं छोड़ना है, बिल्कुल नहीं छोड़ना, बिकॉज हम छोड़ देते तो हम भी यहां नहीं पहुंचते। आपको भी कंटिन्यू करना है, बट साथ में प्लान बी के बारे में जरूर सोचो, और जरूर सोचो। आई विल सी यू अगेन माय फ्रेंड, टिल देन दिस इज पंकज सिंगरा साइनिंग ऑफ। सॉरी फॉर इंटरप्शन, बट डू यू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यू and the more aware version of you? Your more aware version would subscribe to our channel Fintram Global and press the bell icon. For keep getting these videos and these updates, subscribe to our channel and press the bell icon right now.